इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। दूसरी जानब, राजस्थान के रेगिस्तानों में वो बाकायदा पैरा ब्रिगेड्स को ड्रॉप करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हमारी सफ़ों के पीछे पाकिस्तान के अंदर ड्रॉप करेंगे। उनके इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और डिविजन्स रेगिस्तान की गर्मी में पाकिस्तान की सरहद के नज़दीक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस वक्त इनको किसकी बददुआ लगी है कि इतनी खौफनाक जंगी तैयारियाँ कर रहे हैं, किसके लिए? ये चीन के ख़िलाफ़ नहीं है। इनकी डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा ये है कि हम चीन के ख़िलाफ़ तैयारियाँ कर रहे हैं, लेकिन चीन के खिलाफ तैयारियां इनको राजस्थान के डेजर्ट में क्यों करनी है? पैरा ब्रिगेड्स और इन्फेंट्री ब्रिगेड्स और इन्फेंट्री डिविजन्स की ट्रेनिंग क्यों करवानी है यहां पर? तमाम तर आसार ये बता रहे हैं, जो इनकी जंगी जुनून है, जो जंगी तैयारियां हैं, पूरी दुनिया से जो असलाह खरीद रहे हैं, जो उनकी मिलिट्री कमांडर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो ट्रेनिंग है, जो प्रेपरेशन हैं, जो डिप्लॉयमेंट्स हैं, वो सब एक बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस गर्मियों में ये पाकिस्तान के खिलाफ एक भरपूर जंग करना चाहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि अगर 2 लाख की फ़ौज ये लद्दाख में लेकर गए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के सामने, तो आने वाली सर्दियों में 2 लाख की फ़ौज को वहाँ रखना नामुमकिन होगा, कि जिस मकसद के लिए भी लेकर गए हैं, ये सर्दियों से पहले इन्होंने इसको अचीव करना है। अल्लाह करे कि मेरा तजिया गलत हो और दुश्मन का ऐसा कोई इरादा ना हो और वो सिर्फ अपना पैसा खर्च करने के लिए हवाई तरबियत कर रहा हो, लेकिन ज़ाहिरन ऐसा लगता नहीं है। पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के सियासतदानों को, हमारे मीडिया को, मुसल्ला अफवाज को आप तवज्जो दिलाइए और कौम को तैयार करें। हमें फूड सप्लाईज जमा करनी है, हमें कौम को तरबियत देनी है, हमें अपने डिफेंस को मजबूत करना है, हमें भारत से उसी ज़बान में बात करनी है जिस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहा है। उसकी डिसइंफॉर्मेशन वॉर इतनी शदीद हो चुकी है कि वो ड्रोन, जो सो कॉल्ड ड्रोन हमले जो जम्मू एयरपोर्ट पर हुए हैं, उसको अक़वामे मुत्तहिदा तक ले गया और हमने लाहौर में होने वाले धमाके की अभी तक जिम्मेदारी भारत पर सरकारी तौर पर नहीं डाली है। हम इस कदर डिफेंसिव और पैसिव क्यों हैं? भारत से अब बड़े एग्रेसिव अंदाज में बात करनी पड़ेगी आपको। जो कुछ अमन आप उससे चाहते थे, उसने आपकी कमजोरी समझकर पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा महाज तैयार कर दिया है कि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि आप जंग की तैयारी करें ताकि दुश्मन को एक थ्रेट, एक काउंटर थ्रेट दिया जा सके। ये तवज्जो आपको दिलाना जरूरी थी। दूसरी जानिब, वैक्सीनेशन, आप ये जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं पूरी कौम के साथ कि तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हें दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी, तुम्हारी तनख्वाह रोक ली जाएगी, ये सब जंगी जराइम में आता है। आप एक पाकिस्तान के इलेक्टेड जमहूरी प्राइम मिनिस्टर हैं, आप एक फैशिस्ट डिक्टेटरशिप नहीं हैं। किसी कानून के तहत आप ये एक्सपेरिमेंटल ड्रग, जो सिर्फ एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन जिसकी है, पूरी दुनिया से जिसकी खौफनाक रिएक्शन आ रहे हैं, पूरी दुनिया से डेटा आ रहा है, अब हर इंसान को मालूम है कि mRNA जीन ऑल्टरिंग थेरेपी, चाहे मॉडर्ना हो या फाइजर हो या एस्ट्राजेनेका हो या जॉनसन एंड जॉनसन हो, इन सब के कितने खतरनाक नतायज आ रहे हैं। हजारों लोग मर चुके हैं, हजारों का एडवर्स, लाखों करोड़ एडवर्स रिएक्शन हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में आप कौम को ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? पूरी दुनिया में जो दवाइयाँ बैन है, इंजेक्शन बैन हो चुके हैं, वो मुफ्त में 25-25 लाख, 30-30 लाख के डोज पाकिस्तान भेज रहे हैं पाकिस्तानियों को लगाने के लिए। आप जिम्मेदार हैं, आपको महाफिज बनाया गया है इस कौम का, आपको इख्तियार और ताकत अल्लाह ने दिया, इसका सवाल होगा आपसे कल। ये सईदी रसूलुल्लाह की उम्मत है जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में दी गई है, आप खयानत कर रहे हैं इसके साथ। डू नॉट डू दिस, स्टॉप राइट नाउ। 6 महीने तक मुल्क में बिल्कुल वैक्सीनेशन रोकते हैं, अगर आप नहीं रोकते हैं तो ज्यादती करेंगे, मगर कम अज कम फोर्स वैक्सीनेशन रोकते हैं। ये जबरदस्ती करना बंद कर दें कि जो नहीं लगवाएगा उसकी नौकरी चली जाएगी, उसको मार दिया जाएगा, उसको भूखा मार देंगे हम, ये लॉकडाउन और ये सारे ड्रामे बंद करें। Everybody knows कि just this is not an extraordinary flu. ये curable disease है, जिस तरह typhoid है या dengue है, जिस तरह malaria है, ये कोई कातिल बीमारी नहीं है। 99.997% लोग इससे खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है इतनी खौफनाक experimental drug पाकिस्तानी कौम को, मुसलमानों को लगाने की। As a sincere friend and advisor, किसके खिलाफ करी सर? आतंकवादियों के खिलाफ, टेररिस्ट के खिलाफ है ना, दहशतगर्दी के खिलाफ, बालाकोट करा किसके खिलाफ? पर मैं हाफिज सईद को इतना बड़ा, या फिर मौलाना मसूद अजहर को,
या सैयद सलाउद्दीन को इतना बड़ा गुनहगार भारत का नहीं मानता हूं सर, मैं नहीं मानता, लोग कुछ भी बोले, मैं सबसे बड़ा गुनहगार जो मानता हूं जनरल कमर जावेद बाजवा को मानता हूं। आप जब तक उस प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे ये परेशानी कश्मीर में खत्म नहीं होगी सर, इंडिया में परेशानी नहीं खत्म होगी। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, एक वेपन चलाना तो ठीक है आप किसी सिविलियन को आप सिखा दीजिए, दो तीन दिन की ट्रेनिंग दीजिए, वो AK-47 चलाना सीख जाएगा, 100-200 राउंड फायर करवाए, ही इज रेडी टू गो, मतलब प्रोफेशनल नहीं होगा लेकिन उसको पता है एम एंड शूट क्या करना है, राइट। लेकिन सर जब आप बात करते हैं पुलवामा जैसा, आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स आईडी का स्ट्रक्चर बनाते हैं गाड़ी में, ठीक है। आदिल अहमद डर जो था, जो टेररिस्ट था, वो तो सुसाइड बॉम्बर था, बनाया किसी और ने ना, राइट। रिलीज कैच किसी ने तो बनाया ड्रोन का ना सर, किसी ने वो एक्सप्लोजिव बनाया कि इस खास हाइट पे जाके वो छूटेगा, हम बटन दबाएंगे। सर ये चीजें जो हैं ये फौजी दिमाग है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सिविलियन के बस का नहीं है, ये सिविलियन के बस का नहीं है। ये चीजें फौज में सर स्क्वाड पोस्ट पे सिखाई जाती हैं, ये चीजें क्लासरूम के अंदर सिखाई जाती हैं, फिर बाहर जाके प्रैक्टिकल होता है, इसकी प्रॉपर क्लासेस चलती हैं फौज में, ये किसी ना किसी ने सिखा रखा है, किसी ना किसी ने बताया है कि ऐसे करो बेटा, यहां पे ऐसे जाएगा तुम ऐसे करना, ये करके प्रॉपर उसको रिहर्सल करवाइए, तब जाके काम हुआ, एक दिन में काम नहीं हुआ ड्रोन वाला। तो इसलिए मेरा ये कहने का मतलब है आपसे कि प्रॉब्लम रावलपिंडी में है सर, प्रॉब्लम श्रीनगर में नहीं है, इंडिया वाले बहुत सालों से गलत जगह प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन इस बार हमें लगा कि इंडिया में प्रॉब्लम को सही। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का ये रिएक्शन बड़ा ही शॉकिंग आ रहा है, पाकिस्तान का ये रिएक्शन। जब जम्मू कश्मीर में आपको याद होगा, जम्मू में अभी एक ड्रोन अटैक हुआ था, बिल्कुल नॉर्मल सा ड्रोन से एक अटैक हुआ था, जिसमें ज़्यादा भारत का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये अटैक ऐसी जगह हुआ था जिसको मतलब लेकर भारत कि गवर्नमेंट डेफिनेटली इस बारे में काफ़ी सोच विचार कर रही है कि इस तरीके के अटैक को कैसे रोका जाए। हालांकि बहुत जल्द इंडियन गवर्नमेंट डिसीजन लेगी कि एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम कुछ वगैरह लगाया जाए, जिसमें छोटे ड्रोन से लेकर बड़े ड्रोन भी कवर किए जाएं। तो अब ये देखते हैं आने वाले समय में ये कब फैसला होता है। आपने स्टार्टिंग में जैद हामिद को सुना, जैद हामिद को सुनने के बाद आपको एक तो चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये मतलब एक ऐसा पागल है जो कभी ठीक नहीं होने वाला है। इंडियन आर्मी है वो रूटीन एक्सरसाइज कर रही है राजस्थान में, रूटीन एक्सरसाइज कर रही है यूएस अमेरिका के साथ। आपने देखा होगा अभी एक एक्सरसाइज हुई थी ऐसे ही, मतलब इंडियन आर्मी की जो रूटीन एक्सरसाइज है वो हमेशा चलती रहती है। आपको भी पता है कि जो BSF है वो एक्चुअली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो हमेशा पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पर रहती है, और IDBD इंडिया चीन बॉर्डर पे रहती है, और जो इंडियन आर्मी है वो एक मतलब हमेशा एक्टिव रहती है कि कहीं पर भी कोई भी सिचुएशन आए तो उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। तो अभी राजस्थान में एक प्रैक्टिस चल रही थी, US आर्मी के साथ प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन जैद हामिद का बेवकूफ़ का ये रिएक्शन आया कि ये इंडियन आर्मी वॉर की तैयारी कर रही है, इंडिया का पंगा चाइना के साथ है लेकिन ये राजस्थान में ऐसी ट्रेनिंग कर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये पाकिस्तान के साथ वॉर की तैयारी कर रहे हैं। आपको भी पता है कि फौज में ऐसा तो होता नहीं है कि आप एक बार ट्रेनिंग करें और जीवन भर आपका काम चलता रहे, ये तो ट्रेनिंग वगैरह जो ऐसी चीज़ है जो कि आप जितना करेंगे उतना आप सीखेंगे, उतना आप मतलब और इम्प्रूव करेंगे अपने आप को। तो लेकिन अब जैद हामिद जैसे लोग जो कि दावा करते हैं ये डिफेंस एनालिस्ट हैं, इस तरीके की बकवास करेंगे तो अब इनसे आप समझ सकते हो इनसे और उम्मीद क्या की जा सकती है। वैक्सीन के बारे में भी इसने बेवकूफ़ ने उल्टा सुलटा बोला, मतलब वैक्सीन एक ऐसा जहर है, ये वो फलाना ठिकाना। अच्छा है इन जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान के लोग वैक्सीन लगाने के लिए मरेंगे नहीं। वैसे भी बता दूं आपको कि पाकिस्तान में अभी तक एक करोड़ वैक्सीनेशन हो पाया है, वो भी सिंगल डोज, ये भी मैं बता देता हूँ सिंगल डोज, और उसमें भी सारी की सारी वैक्सीन इन्होंने मतलब इनको वीक में मिली है वही वाली वैक्सीनेशन हुई है। इन्होंने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया है कहीं से भी वैक्सीन खरीदने का। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस तरीके से सीरियस है कोरोना को लेकर। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश और जो भारत के पड़ोसी हैं वो बड़े लकी रहे, जो भारत में सेकेंड वेव आई है उसका इफेक्ट ना भारत के किसी पड़ोसी पर दिखा है ना कहीं पर दिखा है, ये इफेक्ट इंडिया बस पे दिखा है। तो मेरा तो शक है कि ये चाइना का जो वायरस है ये स्पेशली ऐसी इकोनॉमी को तबाह करने के लिए बनाया गया है जो कि ग्रो कर रही थी बहुत तेज़ी से, तो इंडिया का नाम उसमें आपको भी पता है कि आता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब तो वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, आप वैक्सीन लगवा चुके होंगे। और अभी मतलब आज एक रिसर्च सामने आई कि इंडिया की जो मेड इन इंडिया
ओरिजिनली मेड इन इंडिया कोवैक्सीन है, वो जो नया डेल्टा वर्जन है उसे भी मतलब उसके खिलाफ़ भी कारगर साबित हो रही है। अगर आपको वो लगी है तो आप ज़्यादा लगी हैं, और अगर आपको कोविशील्ड लगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 3 महीने बाद दूसरी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।